हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंदिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर सेवन है आप लोगों का प्लांट किंगडम। अब देखिए, आप लोग आरएच बीटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो आरएच बीटेकर ने पूरे होल किंगडम को 5 किंगडम में बांटा था, जिसमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो आप लोगों ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई 3 किंगडम पढ़ लिया है। चौथा किंगडम आप लोगों का है किंगडम प्लांटी या प्लांट किंगडम। अब आप लोग को देखिए, इसके नाम से ही लग रहा होगा कि चैप्टर में आप लोगों को क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में आप लोगों को पूरे दुनिया का होल प्लांट किंगडम पढ़ना है। प्लांट किंगडम मतलब पूरे इसमें जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं पूरी दुनिया में, जो अपना फूड जो है, अपने फूड के लिए वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो उसमें हम आप लोगों को इस चैप्टर में सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ाएंगे कि पूरी दुनिया में कितने तरीके के प्लांट्स हैं और उनका कैरेक्टर क्या है। तो आप लोग लोअर से लेके हायर कैटेगरी तक के प्लांट पढ़ेंगे, मतलब सिंगल सेल से लेके हायर कैटेगरी के एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, पूरे होल प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे और उनके कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि उनका डेवलपमेंट वगैरह कैसे हुआ। तो देखिए, इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में आप लोगों को नीचे से लेके ऊपर तक, पहले लोअर से लेके हायर तक पढ़ना है। सबसे पहला प्लांट आप लोग पढ़ेंगे एल्गी, जिसको आप लोग काई कहते हैं। तो काई, देखिए काई की बॉडी कैसी होती है, जड़, तना और पत्ती में डिवाइड नहीं होती, मतलब सबसे लोअर कैटेगरी का प्लांट जो होता है वो दुनिया में, वो एल्गी होता है। तो सबसे पहले आप लोग एल्गी पढ़ेंगे, फिर एल्गी से थोड़ा डेवलपमेंट इसमें होता है ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइट से थोड़ा ज़्यादा डेवलप होते हैं टेरिडोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट से ज़्यादा डेवलप होते हैं जिम्नोस्पर्म, और सबसे बाद में लास्ट में सबसे हाईएर डेवलप जो प्लांट्स होते हैं पूरी दुनिया में वो एंजियोस्पर्म होते हैं, जिनमें बीज वगैरह बनती है, फल वगैरह बनता है। तो इस तरीके से आप लोग पूरे प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे लोअर से लेके हायर तक। उनमें रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उनमें न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, साथ साथ उनकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब देखिए, हम आप लोगों को इसको शुरू करते हैं कि कहाँ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है, प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि प्लांट किंगडम क्या है और कैसे आरएच विटेकर ने इसको अलग किंगडम बनाया। देखिए, पहले जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने फंजाई और ब्रायोफाइट्स, एल्गी, लाइकेन, माइकोराइजी, इन सारी चीज़ों को एक ही किंगडम में रखा था, लेकिन बाद में आरएच विटेकर ने इन सबको अलग करके फंजाई में रख दिया और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को प्लांट किंगडम में रखा। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था क्योंकि किंगडम फंजाई के जो प्लांट्स हैं वो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, वो अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड है, जबकि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप होते हैं, अपने फूड के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। तो इसी वजह से आरएच विटेकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा मान्य है। तो अब आप लोगों ने किंगडम फंजाई पढ़ लिया है, तो किंगडम फंजाई में लोअर कैटेगरी के प्लांट्स थे, नॉन ग्रीन प्लांट्स थे। अब आप लोग का चौथा किंगडम किंगडम प्लांटी है, जिसमें जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट्स ग्रीन हैं, मतलब अपने फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। तो अब इसमें देखिए, हमने कुछ चीज़ें हाईलाइट करी हैं जो प्लांट्स का सबसे मेन करेक्टर होता है। पहली बात तो प्लांट जो होते हैं वो सारे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा कोशिका के होते हैं। दूसरा, ऑटोट्रॉप होते हैं, मतलब अपने फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। ये ऑटोट्रॉप होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन जो है वो खुद बनाते हैं। तो इस तरीके से किंगडम प्लांटी में आप लोग को जितने भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, चाहे वो जितना लोअर हो चाहे वो जितना हाइयर हो, वो आपको ऑटोट्रॉप ही मिलेगा, मतलब अपने फूड के लिए वो सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड रहेगा, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, और सिर्फ फोटोसिंथेसिस से ही उनमें फूड जो है बनता है। तो इस तरह आप लोगों को इस किंगडम में इन्हीं सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, इनका उद्भव कब हुआ था। इनका उद्भव जो है आज से 400 मिलियन साल पहले हुआ था, मतलब कहने का ये है कि आज से लगभग 400 मिलियन साल पहले पृथ्वी पे ग्रीन प्लांट्स आए थे। इससे पहले ग्रीन प्लांट्स नहीं हुआ करते थे, इससे पहले सिर्फ नॉन ग्रीन प्लांट्स थे, मतलब सिर्फ किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिज्म थे। फिर उन्हीं में डेवलपमेंट हुआ और वो आगे चलकर क्या बने, किंगडम प्लांटी बने और ग्रीन प्लांट्स बने। तो आज से लगभग 400 मिलियन साल पहले इनका उद्भव हुआ और ये पूरी दुनिया में फैल गए। उसके बाद फिर इनमें और तेजी से डेवलपमेंट हुआ, तो ये लोअर से हायर की तरफ आए। पहले ये एकदम सिंगल सेल के थे, फिर और डेवलप हुए और डेवलपमेंट होते होते ये और हायर होके पूरे, आप लोग जो हायर कैटेगरी के प्लांट देते हैं जैसे आम वगैरह है, तो वो जड़, तना, पत्ती में डिवाइड हो गए और उनमें फ्रूटिंग वगैरह होने लगी, जबकि शुरुआत में जो प्लांट्स थे उनमें फ्रूटिंग वगैरह नहीं होती थी, ना ही फ्लावरिंग होती थी। तो इस तरीके से आप लोगों को इस चैप्टर में जितने भी प्लांट्स पढ़ने हैं उसको नीचे से ऊपर की
की तरफ पढ़ना है, मतलब डेवलपमेंट के हिसाब से पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग सबसे लोअर कैटेगरी का प्लांट पढ़ेंगे एल्गी, उसके बाद फिर उससे हायर करते करते जाएंगे और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म, जो दुनिया के सबसे हायर कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं। तो अब आप लोगों को इतना पहले तैयार कर लीजिए, ये आप लोगों का किंगडम प्लांटी का इंट्रोडक्शन, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम आप लोग को अगले वीडियो में एल्गी से शुरू करेंगे, जो आप लोगों के किंगडम प्लांटी का पहला मेंबर है। तो इसको आप लोग तैयार करिए, अगले वीडियो में हम आप लोग को एल्गी पढ़ाएंगे। थैंक यू।